7-8 साल हो गए, 10-12 साल दस बार अपनी गाड़ी गाड़ी चटनी है देखी, चपिंग हो रखी है या समोसे में करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और नई वीडियो में। और आज हम हैं मैनपुरी में। मैनपुरी में ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर मिलता है भाई ब्रेड पकौड़ा, भल्ला और मिर्च के पकौड़े, तो कमल ककड़ी। अच्छा, ये और भैया ने बताया कमल ककड़ी मिलती है। तो भाई ये कम से कम नहीं 40 साल पुरानी एक शॉप है। यहाँ पे हम बहुत छोटे थे तब आया करते थे खाने के लिए। तो अभी टाइम हो गया है भाई 2:30 और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले नमस्कार भैया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जी, तो गुप्ता जी हमें ये बताइए कितने साल दुकान हो गई है कुछ चलाते हुए यहाँ पर? ये दुकान लगभग 40 साल पुरानी दुकान है। 40 साल? 40 साल पुरानी है। तो टाइमिंग क्या रहती है आपकी? ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। अच्छा, और मिलता क्या क्या है आपकी दुकान पर? पकौड़ा, भल्ला, मिर्ची और कमल ककड़ी। कमल ककड़ी, ये कमल ककड़ी अभी मिल जाएगी? नहीं अभी नहीं, सुबह सुबह मिलती है। अभी आ नहीं रही है, सर्दियों में आती है। अच्छा, अभी आ नहीं रही है, सर्दियों में आती है, सर्दियों में मिलती है। तो प्राइस क्या रहने वाला, कितने रुपए का क्या क्या पीस मिलता है बता देंगे? पकौड़ा 15 रुपए का, भल्ले 15 की 2 है, मिर्च 15 की 2, कमल ककड़ी 20 रुपए की। अच्छा, सारी चीज़ मतलब 15 रुपए की है, बारीक कमल ककड़ी छोड़ के खाली सब्जी 15 रुपए की है। अच्छा, कमल ककड़ी 20 रुपए की है। तो हमें क्या खिलाओगे आज? कमल ककड़ी नहीं है और मिर्च भल्ला दे। तो हमें 2 मतलब भल्ला लगा दीजिए और 1 ब्रेड पकौड़ा, 1 मिर्च और ये। अच्छा, और ये मसाला, ये मसाला आ गया, ये ब्रेड पकौड़ा, ये खट्टी मेरी चटनी और ये मसाला हो गया। यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो सबसे क्या नाम है आपका? सुरेन जी, कैसा टेस्ट है यहाँ का? बढ़िया है। क्या आप क्या क्या खाते हैं यहाँ पर? खाते हैं, भल्ला खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। अच्छा, तो आपको सारा एकदम बढ़िया लगता है, अच्छा स्वाद लगता है? आज कम से कम 20 साल पहले आ रहे हैं। आप देख लीजिए कितना पुराने पुराने लोग यहाँ पे आ रहे हैं खाने के लिए। 20 साल तो भैया बता रहे हैं आ गए, आते हुए हो गए इनको। तो और लोगों से भी पूछते हैं कैसा है स्वाद। क्या नाम भैया आपका? अंकुश। अंकुश जी, क्या चीज़ खाते हैं आप? ब्रेड पकौड़े। कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया। तो कब से खा रहे हैं आप? हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए इनको भी खाते हुए। आप देख सकते हैं कितने पुरानी है। हमें पुरानी दुकान की एक बार पूरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए, कितना पुराना एकदम दुकान है ये। आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी पुरानी दुकान है। और यहाँ पे इस तरीके के जो आइटम मिलते हैं। क्या नाम है ये आपका? पुष्पेन कुमार। पुष्पेन जी, क्या कब से खा रहे हो आप? हो गए 10-12 साल। 10-12 साल हो रहे। कैसा लगता है स्वाद इनका? टेस्ट अच्छा है, बढ़िया लगता है। बढ़िया, मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है, बरसात के टाइम पे तो और मज़ा आता होगा। और मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे रिव्यू हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। और बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेड पकौड़ा वगैरह सारे कुछ बनाते हैं। और एक जो मेन आइटम इनका कमल ककड़ी, वो सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, कोई अभी नहीं मिलती है। उसका प्राइस है 20 रुपये। बाद बाकी सारी आइटम का प्राइस है 15 रुपये। 15 रुपये में इतने सस्ते में कहीं भी ऐसा नाश्ता नहीं मिलेगा मैनपुरी के अंदर। आपको टाइम ना मिल तो हम यूँ घूमत जाते, पता चले हम यूँ हैं। हम करने जा रहे हैं इनकी मिर्च टेस्ट। हम्म,
चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है भाई, मज़ा आ जाता है। बरसात का अगर ऐसा टाइम हो और ये सारी चीज़ें मिल जाएँ तो भाई दिन बढ़िया हो जाता है। अब ये देखिए खाने जा रहे हैं बल्ला, इसमें देखो आलू की स्टफिंग हो रखी है जैसे समोसे में करते हैं वैसे इसमें हो रखी है, और उसके ऊपर से बेसन में लपेट के बढ़िया तरीके से तेल में फ्राई होती है। अच्छे मीठी चटनी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ रहा है खाते। तो आप लोग भी अगर आसपास रहते हैं तो यहाँ आइए और उनकी सारी आइटमों को जो है खाने के लिए भरपूर आनंद लीजिए। तो ये एक नंबर है, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे भैया आने का एड्रेस बता दीजिए, कैसे मतलब कोई आए तो कैसे आएगा? अच्छा, तो भाई ये घंटाघर चौराहा है तहसील के सामने जस्ट, भैया की ये बहुत पुरानी सी दुकान है, नगर पालिका के सामने ये दुकान है भैया की। तो यहाँ पर घंटाघर चौक पे, तो भाई यहाँ पे जो आप भरपूर आनंद ले सकते हैं इन सारी चीज़ों का, ये देख रहे हो आप।